श्रावणी मेले के दौरान रेल में सफर करने वाले कांवरियों को सुरक्षा के लिए ट्रेनों से लेकर विभिन्न स्टेशनों के प्लेटफार्म तक चाक चौबंद व्यवस्था रेल पुलिस के द्वारा की गई। रेल एसपी दीपक कुमार ने कहा कि बिहार यूपी जैसी जगहों से काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जसीडीह स्टेशन पर आती है, जिसे ध्यान में रखते हुए यहां 60 पोस्ट बनाए गए जहां 24 घंटे पुलिस मुस्तैद रहेगी। बिहार यूपी इवन के दूसरे स्टेट से भी काफ़ी संख्या में यहां पे आते हैं लोग। सबसे अधिक जो भीड़ होती है वो होती है जसीडीह, क्योंकि दोनों तरफ से जो परिचालन है वो एकत्र होते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद में जसीडीह से ही ट्रेन पकड़ के वे लोग डिफरेंट गंतव्य स्थान पे अपने अपने जगहों पे। रेल एसपी ने आगे कहा कि स्टेशनों पर सीसीटीवी के जरिए श्रद्धालुओं की चौकसी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कई ट्रेनों में एस्कॉर्ट की टीम भी मौजूद रहेगी। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम उपलब्ध है, साथ ही बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहेगा। उसके बाद में फिर वहाँ पे हमारा श्वान दस्ता भी है, किसी भी तरह का परिस्थिति से निपटने के लिए। हमारे पास ATS के मतलब बम डिस्पोजल स्क्वाड भी है वहाँ पे, तो हमारे पास बल था। उसके अलावे लगभग 800 अतिरिक्त बल की और लगभग 150 अधिक ऑफिसर्स को हमने इस मेले के लिए प्रतिनियुक्त किया है। दूसरी तरफ धनबाद रेल मंडल ने भी श्रावणी मेले को लेकर विशेष तैयारी की। धनबाद DRM अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि कोई विशेष ट्रेन इस मंडल में नहीं चल रही, लेकिन अपने रेल कर्मी को हम दिशा निर्देश दिए कि जितने भी लोग इस मेले में जा रहे हैं उनकी मदद करें। कोई स्पेशल ट्रेनें नहीं चल रही हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ट्रेनें हैं उसमें वो आसानी से जा सकते हैं और उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और इस दिशा में हम लोगों ने ऑलरेडी दिशा निर्देश दिया हुआ है कि हमारे रेल कर्मी जो हैं इस तरह के जो भी आते हैं तो उनकी देखरेख करें, उनकी सहायता करें। सुरक्षा के मुद्दे पर DRM अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि धनबाद और हर स्टेशन पर RPF की टीम मौजूद है और सजग है, सबको दिशा निर्देश दिया जा रहा है। हर स्टेशन पे सजग है और धनबाद और इसके अलावा बाकी स्टेशनों पे भी हर जगह RPF पोस्टेड है और हमने उनको भी दिशा निर्देश दिया है कि सजग रहें और जितने भी हमारे पैसेंजर्स आते हैं उनको कोई रेलवे स्टेशन में कठिनाई न हो। वही ट्रेन के द्वारा सफर कर रहे श्रद्धालुओं ने भी रेल द्वारा दी जा रही सुविधा को सराहा, साथ ही ट्रेन में साफ सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की तारीफ की। ट्रेन में सभी जगह सुरक्षित से अभी जा रही हूँ, सभी जगह पुलिस का पहरा है, सफाई बहुत अच्छा है, सभी जगह 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 पर साफ सफाई होते रहता है। रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, पुलिस प्रशासन भी ठीक है, आराम भी ठीक है। JCB में उतरेंगे, साफ सफाई भी अच्छा है, टिकट का भी व्यवस्था ठीक है। ये पुलिस और भी इधर उधर देखते हुए सीट के नीचे अगल बगल खिड़की तरफ बाहर उहर बाथरूम तरफ पूरा देखते हुए नजर करते हुए चलते हुए जैसे आ रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रहा है, व्यवस्था भी ठीक है। हम लोग तो अभी मोदी स्टेशन से आ रहे हैं, लेकिन हम लोग देवघर जा रहे हैं, जाते जाते देख रहे हैं रास्ता में क्या जगह सब ठीक है, व्यवस्था बहुत सुंदर है। श्रावणी मेले में झारखंड ही नहीं पूरे देश से श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में रेलवे भी श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। दिलशाद, न्यूज 11, धनबाद।